हाँ भुगतना पड़ेगा, लेकिन परिणाम के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला माफ करेंगे। मतलब अल्लाह ताला इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से, तो जरूरी है कि हर किसी को सजा मिले, सजा दी जाए, कुछ लोगों को माफ भी किया जाएगा। देखिए, माफ करने के ताल्लुक से तो बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां हैं। लोग तो आमतौर पे कहते हैं हाँ अल्लाह माफ करेगा, और कई सारी खताओं के रास्ते पर चलते आते बोलते अल्लाह माफ करेगा। लेकिन आप जरा ये बताओ कि अल्लाह ताला इंसाफ भी तो करने वाला है। अगर मान लीजिए कि किसी ने नेक काम किए, किसी ने गुनाह के काम किए, अगर सबके सब बराबर हुए तो इंसाफ क्या हुआ? तो कुरान में वही आयत है, पहली वाली दलील पर हम लोग पहली वाली आगे दलील कुरान की एक आयत है। अल्लाह ने कहा नबी इबादी, मेरे बंदों को बताओ, अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बारे में बताओ कि मैं तो माफ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। वान्ना अजाबी, और मेरा अजाब, मेरी सजा, मेरा पनिशमेंट, अजाबुन अलीम, वो भी बहुत दर्दनाक अजाब है। मतलब एक ही आयत में दोनों बातें हैं। लोग कई बार क्या होता है, अपने आप को इस धोखे में रखना चाहते हैं हाँ अल्लाह माफ करेगा, और वो गुनाहों के रास्ते पर चलते आते हैं। तो सही बात तो ये है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन किसे माफ करेगा? खता हो क्राइटेरिया क्या जाए। है? जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह जुमर में, सूरह 39 आयत नंबर 53, के मेरे बंदों से कहो के ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। लेकिन किसे माफ करता है? क्या शक्लो सूरत को देखकर कि हाँ इसकी शक्ल तो इतनी अच्छी है, इसको तो माफ करना ही होगा, या खानदान और लिनेज को देखकर, या एरिया और सिटी को देखकर कि बॉम्बे वालों को माफ करना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ माफ करने का क्राइटेरिया क्या है? अल्लाह ताला कुरान में कहा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सूरह रात की आयत है, सूरह 13 आयत नंबर 27, यहदी इलैही मन अनाब, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है, जो अल्लाह की तरफ पलटता है, जो सिंसियरली तौबा करता है, जो अपने आप को सुधारता है, जो अपने आप के अंदर वो रिफॉर्म पैदा करता है, जो गुनाहों को छोड़ देता है। जैसे कुरान की आयतों में आता है सूरह 3 आयत नंबर 134 के वलम युसिरु अला मा फअलू वहुम यालमून, जो जानते बूझते हुए वो गलत चीज़ की तरफ वापस नहीं जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ अल्लाह की रहमत का पहलू है, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला की सजा भी है, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और एक सच्चा इंसान जो इस सच्चाई को जानकर जीना चाहता है, उसे दोनों पहलू के बीच में उम्मीद भी अल्लाह से हो, लेकिन डर भी हो सजा की, और अपने आप को कंटिन्यूसली सुधारने की कोशिश करता है।